तो भाई ये देखो अपनी बाइक रेक्सा भाई, जिसके साथ अपन लंबे रेस की तैयारी करने चाह रहे हैं भाई। अपना गाड़ी का जो सर्विसिंग है ना, टोटल कंप्लीट हो गया है। हर चीज सामने, शॉकअप और क्लच वायर वगैरह, और पीछे से देखोगे तो जो है ना बूस्ट मेरा टूटा हुआ था, रबड़ जो था ना बूस्ट रबड़, और बेरिंग भी टूटा हुआ था। तो भाई अभी रेक्सा का जो साइड साइलेंसर का वो जो टूटा हुआ था ना, उसको चेंज कर रहे हैं, अभी न्यू वाला को लगा रहे हैं। तो ऑल सर्विसिंग जो है रेक्सा का कम्प्लीट हो गया है, मतलब अब लंबे सफर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जय श्री राम सभी को। तो होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगा और मैं बढ़िया हूँ। तो भाई आज हम लोग जाएंगे जगदलपुर अपनी रेक्सा की सर्विसिंग कराने। एक्चुअल में रेक्सा का सर्विस तो मैं अपने घर पे ही करता हूँ, आप लोग देखे होंगे वीडियो वगैरह में, बट अभी जा रहे हैं रेक्सा का सर्विस कराने, मतलब चेकअप कराने जा रहे हैं। सर्विस के साथ साथ चेकअप भी करा लेंगे मैं सोच रहा था, क्योंकि चेकअप भी इसलिए करा रहे भाई कि आगे पता चल जाएगा आप लोगों को, लंबे रेस की तैयारी के लिए जो है ना गाड़ी का फुल चेकअप कराएंगे कि भाई उसका क्लच प्लेट वायर, क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर, ये सब चीज़ चेक कराएंगे। ताकि अभी हम लोग जो नए सफ़र में निकलेंगे ना, मतलब मेरे लाइफ का तो सबसे बड़ा सफ़र होगा, मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ हल्का हल्का। कुछ दिनों में ही आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। जो अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है भाई, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि मैं सबसे पहले ना इंस्टाग्राम में ही अपडेट देता हूँ जो भी रहता है। तो प्लीज़ भाई इंस्टाग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि कुछ दिन आने वाला है, कुछ 4-5 दिन, 1 हफ्ते के बाद समझ लो आप लोग को एक अपडेट मिलेगा बहुत बड़ा। उसी के लिए ही रेक्सा का फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं, कि कोई दिक्कत ना आए। मतलब समझ जाओ मेरे लाइफ का सबसे लंबा राइड होने वाला है। तो भाई बस इतना हिंट दे रहा हूँ, कहाँ जाना है क्या नहीं, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करना भाई, फेसबुक में नहीं बोलता हूँ क्योंकि उसमें अपडेट नहीं होता, बट इंस्टाग्राम को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उसमें अपडेट हमेशा रहता हूँ, सबसे पहले इंस्टाग्राम में ही डालता हूँ। तो भाई उसी लिए, उसी कारण से आज हमारे क्या ड्यूटी का छुट्टी है, वेडनेसडे है, तो आज ही टाइम मिलता है यार। बट दुकानदारी भी, अपना धंधा पानी भी चल रहा है, तो वहाँ पे मेरा भाई बैठेगा, तो उस चक्कर में अभी हम लोग जगदलपुर जा रहे हैं बाइक का फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए और सर्विस कराने के लिए। तो आप लोग को जो भी चीज़ होता है रास्ते में देखते भाई, क्या क्या चेंज करने का ज़रूरत आएगा अपन को बाइक में, मतलब लंबे, मतलब लॉन्ग राइड जाने से पहले, तो हम लोग देखते हैं भाई कि लॉन्ग राइड जाने से पहले हम लोग के बाइक में क्या क्या चेंज होगा, सब सही है कि नहीं सही है, वो सब चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा। और जिसके पास R15 है उसको भी हेल्प होगा भाई, कि क्या क्या काम करा लो लॉन्ग राइड जाने से पहले, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये सब सेटअप देख रहे हो, GoPro, हेलमेट वगैरह सेट हो गया है, अभी हम लोग निकलेंगे। मेरा बाइक मेरे घर के पास नहीं है, वो क्वार्टर में रखा हूँ भैया के यहाँ, तो वहाँ जा करके लेंगे। बाकी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना भाई, बहुत मजा आएगा। हम लोग जो भी रास्ते में करते हुए जाते हैं, घूमते हुए जाएंगे, फिर यार घूमने का बोलने से भाई सर दर्द दे देता है। वो गीदम वाला रोड यार, तंतेवाड़ा वाला रोड इतना खराब रोड है यार, फिर वही दिखेगा आप लोगों को, बार बार इसी को दिखाता है, बट क्या करें अभी तक रोड बनाए नहीं है ना, तो ऐसे ही चल रहा है। तो वहाँ से जो भी चीज़ होता है मैं जाऊँगा अपने भाई के साथ, राहुल के साथ जाऊँगा, जो कि वहाँ पे तैयार हो रहा है। हेलो बोल भाई। हाय। हाँ तो ये भी तैयार हो रहा है, हम दोनों निकलेंगे फटाफट से, जाएंगे वहाँ पे सर्विसिंग कराएंगे, चेकअप कराएंगे, और जगदलपुर घूमेंगे भी, खाएंगे भी, जो भी रहेगा आप लोगों को सब चीज़ इसी में दिखाऊंगा। बाकी अपडेट आप लोग को कुछ टाइम बाद जरूर मिलेगा, तो भाई फॉलो ज़रूर कर लेना आप लोग इंस्टाग्राम में प्लीज़ भाई। सबसे पहले क्या है ना, इंस्टाग्राम में इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप लोग को अपडेट फटाफट मिलेगा कि क्या करने वाला, कहाँ जा रहा है। तो भाई आप लोग को इतना हिंट दे रहा हूँ कि अभी हम लोग लंबे रेस की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं अपनी रेक्सा को लेकर के जगदलपुर। तो चलो फटाफट से निकलते, लेट हो गया, टाइम देखोगे तो भाई 9 बज गया है, जल्दी निकलना था, तो जाकर के सर्विस सेंटर में हम लोग फटाफट से बाइक को लगा देते, उसके बाद अपना काम हम निपटा करके अपना हो जाता, और देखते हैं भाई कितना का फटका था। सबसे मेरे को टेंशन तो ये लग रहा है कि भाई क्या क्या सामान चेंज करना पड़ेगा, मतलब यार लॉन्ग राइड पर जाएंगे ना, उस हिसाब से शोरूम में बताएंगे कि ये चीज़ है, हम लोग इतने किलोमीटर जाने वाले हैं, तो आप लोग बताओ क्या क्या चीज़ चेंज कराने की जरूरत पड़ेगा। तो वही चीज़ मेरे को टेंशन भी है कि भाई कितना का फटका लगेगा, क्योंकि अभी मेरा कंटिन्यू सामान पे सामान, सामान पे सामान आ रहा है, और कुछ दिन पहले आप लोग को बहुत बड़ा बॉम्ब भी मिलेगा, शायद तक मैं उसका वीडियो डाल दूँ। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम पर 10K का सेलिब्रेट नहीं कर पाया क्योंकि ना बहुत बिजी चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ना 11K होगा ना पक्का करूँगा, क्योंकि ना यार बिजी चल रहा है, कुछ बता भी नहीं सकता मैं कब कब करूँगा कब नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को सेलिब्रेट करना ही है, तो वो भी चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले अभी निकलते हैं फटाफट से घर से बाहर, और चलते हैं अपनी बाइक लेते हैं, और फिर वहाँ से निकलते हैं, जो भी रहता है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे आप लोग, बाकी भाई चलो निकलते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना प्लीज़ भाई। तो भाई अभी निकलने से पहले अभी मिठाई ली है, क्योंकि दीदी घर जा रहे हैं ना, तो वहाँ से दीदी से ही मिलेंगे, तो मिठाई भी देंगे करके मिठाई ले लिए, और अभी मेरा अमेजोन से पार्सल आ रहा है, वो पार्सल लेने के बाद निकलूंगा, लेट भी हो गया है बहुत ज़्यादा, 9 से ज़्यादा हो गया है। चलो बताओ।
तो भाई ये देखो अपनी बाइक रेक्सा भाई, जिसके साथ अपन लंबे रेस की तैयारी करने जा रहे हैं। अब इसको फुल चेकअप कराएंगे, बाकी ऊपर से तो बहुत बढ़िया है और अंदर से भी बढ़िया है, मतलब अभी तक कुछ दिक्कत वगैरह नहीं थी। और भाई ये देखो बाजू में देखो, 20 दिखाना तो भूल ही गया भाई, यहाँ पे देखो भाई 20650 सुपर मीटियर भाई, ये तो शेर है शेर। चलो दोनों को साथ में ही रखें, छोटे छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ को दोनों को साथ में ही रखे थे हम लोग। अभी ना मेरे को एक और सामान का कॉल आ गया, अमेजोन से तो आया था, उसको मैं रिटर्न करवा दिया क्योंकि अभी थोड़ा काम से जा रहे हैं, बट फ्लिपकार्ट से भी आया है बैग, मतलब समझ लो बहुत सारा सामान आ रहा है। लंबे रेस की तैयारी ना जारी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे, निकालते हैं गाड़ी को और चलते हैं। फ्लिपकार्ट से क्या सामान आया, बैग मंगाया था मैं, तो फ्लिपकार्ट से लगेज बैग मंगाया था, बोला सामान को लेना है। ये देखो भाई गाड़ी निकल गई अपनी रेक्सा, चलो इसको सेट करते हैं मीटर वगैरह को, और हाँ इसका ना देखते हैं बचेली में मेरे को थोड़ा सा काम है, निपटते हुए सब निकलेंगे। चलो अभी विशाल भी जा रहा है क्योंकि ना मैं वो जो फ्लिपकार्ट ऑफिस है ना वहाँ से सामान को ना अपन ना इसको विशाल को दे दूंगा मैं, ये सोचा हूँ मैं, इस वजह से कैमरा को सेट किया जाए। हाँ तो सेट है कैमरा, चलो चलते हैं। जय माता दी। ओ भाई कुछ खाया भी नहीं है यार, भूख भी लग रहा है, पेट भी दर्द दे रहा है, आज मार्केट है, तो चलते हैं पहले वहाँ पे, वो लड़का रुका हुआ है उसको सामान लेते हैं और फिर निकलते हैं, मैं आगे निकलता हूँ। अबे ईकार्ट ऑफिस देखा है, ईकार्ट ऑफिस देखा है, कल्लू बैठता है। अबे ईकार्ट ऑफिस, ईकार्ट ऑफिस कालिया बैठता है। हाँ वही वही, चल रहा। चलो मैं निकलता हूँ फटाफट से क्योंकि ना लेट करने से कोई मतलब नहीं है। तो भाई आज मेरा एक और सबसे बड़ा सामान आने वाला है बस से, जिसका वेट भाई बहुत टाइम से किया, फाइनली आज वो पहुँचने वाला है। उसका भी आप लोग को जो सरप्राइज़ है बहुत जल्दी मिल जाएगा कि क्या मंगाया हूँ। शॉकिंग चीज़ है मेरे लिए तो, था ही क्या बता आप लोग के लिए भी हो, मतलब मेरे को नहीं भरोसा था कि इतना जल्दी मैं वो चीज़ ले लूँगा, बट ले लिया, मतलब समझ रहे हो, सब चीज़ जो है ना तैयारी है और कुछ नहीं। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम में जुड़ जाना तो आप लोग को अपडेट ना, यूट्यूब से पहले अपडेट क्या है ना मैं इंस्टाग्राम में देता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में जुड़ जाना ताकि आप लोग को फटाफट से पता चल जाए। ऐसे हेलमेट पहन के बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल का लगता है, ऐसा लगता है भाई कुछ लग रहा है। लेकिन मैं राइडिंग जैकेट नहीं पहना क्योंकि मम्मी लोग गाँव गए ना, तो क्या किए लोग ना राइडिंग जैकेट को ना अलमारी में डाल करके चाबी ले करके चले गए, इस वजह से, नहीं तो मैं राइडिंग जैकेट पहनता बट शू वगैरह पहना हूँ। चलो भाई आ गए अपन ईकार्ट ऑफिस, यहाँ से सामान लेते हैं अपन अपना। अरे बाप रे, दो ठोक बैग मंगाया था यार, लगेज बैग है क्योंकि आप पीछे लगेगा। हाँ नहीं नहीं वो लड़का आ रहा है, दो ठोक है ना। अरे यार ये गाड़ी का पूरा चेकअप कराने जा रहा हूँ जगदलपुर, अभी तो जगदलपुर जा रहा हूँ भाई चेकअप कराने के लिए, बाकी कुछ दिन बाद। हाँ बना रहा हूँ बना रहा हूँ बना रहा हूँ गाड़ी को, तो और मॉडिफाई कर दिया। अच्छा चल रहा है ना, ब्लॉग तो चल ही रहा है। अच्छा चालू ही है। हाँ नहीं तो उसके लिए तो मंगाया हूँ मैं, इसके लिए मंगाया हूँ, अभी क्या है ना टूर पे निकलने वाला हूँ इसीलिए ना गाड़ी का पूरा चेकअप और ये सब सामान आ रहा है। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, देखते हैं पहले ना अंकुश क्या जाता हूँ मेरे दोस्त क्या, वहाँ से ना हेलमेट लेंगे। तो भाई अभी पहुँच गए अंकुश के घर, यहाँ चलते हैं उससे हेलमेट लेते हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था ये तो, बट अभी फ़ोन उठाया है, आता है तो लेते हैं। अरे यार गोप्रो में चार्ज नहीं है भाई, केबल निकाल चार्जर केबल। आ गया भाई अंकुश। हैं मेरे को लगा कि फर्जी दोस्त लोग टाइप का, तू भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। चल जा रहा हूँ मैं, चल ठीक है बाय। इसको ध्यान से रखना राहुल, याद रखना क्योंकि ये सब में ना स्क्रैच जल्दी आता है, समझा। मेरा स्क्रैच, मेरा हेलमेट तो अपने दोस्त लोग को दे दे के भाई पूरा स्क्रैच ला दिया हूँ, देख रहा है मेरा, लेकिन इसका क्या हेलमेट, इसको लेके जाएंगे ना आगे तक, इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान से। अब निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बचेली का जो काम है उसको निपटाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। भाई बचेली तो पहुँच गए, भगवान जाने वाला रोड कब बनेगा यार, बाकी चलो चलते हैं पहले पॉल्यूशन का काम कराते हैं गाड़ी का। देख रहे हो कितना खराब रोड है,
नहीं पता यार कब बनाएंगे रोड यहाँ का, इतना गंदा रोड है भाई। मतलब साल भर से ज़्यादा हो गया ऐसी सड़ा सा रोड में गाड़ी चला चला के हालत ख़राब हो गया है, देख रहे हो। तो भाई इधर पास आ गए, यहीं पास कहीं पॉल्यूशन वगैरह बनता है, चलो किसी से पूछते हैं। यहाँ कहीं अंदर डालने का गाड़ी जगह देना चाहिए यार। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, हटना भाई। कहाँ बनता है यार पॉल्यूशन, कहाँ बनता है पॉल्यूशन, किधर? हाँ हाँ, क्या आप भी पॉल्यूशन बनाते हो क्या? बना दो ना मेरा गाड़ी का। चिली से निकल रहे, अपना काम जो था पॉल्यूशन वाला वो है कंप्लीट हो गया है, और लेट भी हो गया, 10:30 हो गया यार। हम लोग को 10:30 बजे तक तो हम लोग को जगदलपुर पहुंचना था, फिर भी यहाँ से अभी हम लोग को ऑलमोस्ट ना यार 2-2.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा कैसे भी करके। चलो फटाफट से चलते हैं, फटाफट से क्या जाएंगे यार, वहाँ का रोड ही इतना ख़राब जो है भाई। चलो सबसे पहले पेट्रोल डलाते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई अभी बचेली से ना पेट्रोल वगैरह डला करके निकल गए हैं, अब जल्दी से ना हम लोग को पहुँचना पड़ेगा, जल्दी से कवर करना पड़ेगा। बाकी देखो रोड जो बोला था ना ख़राब वाले एकदम, मतलब किरंदुल बचेली दंतेवाड़ा के बीच का जो ख़राब रोड है ना, सबसे मतलब मेरे को लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता यही है। नहीं पता भगवान जाने कब रोड बनाएंगे। ये रोड के चक्कर में ना भाई एक डेढ़ घंटा तो यहीं खा जाता है, दंतेवाड़ा से किरंदुल से गीदम जाते टाइम 1.5 घंटा तो यहीं खा जाता है भाई। ये इतना रोड ख़राब है देख रहे हो, मतलब क्या ही स्पीड में चलाएंगे यहाँ गाड़ी। देखो देखो ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो हम लोग 10 घंटा में पहुँचेंगे। तो चलो ये सड़े से रोड से निकलने के बाद आपको मिलता हूँ भाई। फाइनली ऐसे ख़राब से सड़े से रोड होते हुए पहुँच गए दंतेवाड़ा भाई। अब यहाँ से जो रोड है थोड़ा सा ठीक मिलेगा, बहुत घटिया रोड है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा। जय माँ दंतेश्वरी। ये दंतेश्वरी मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर, और आगे से दर्शन होगा। जय माँ दंतेश्वरी भगवान, अच्छे से भगवान। तो चलो भाई माता जी का दर्शन भी कर लिए, अब नॉन स्टॉप चलते हैं भाई गीदम। ये देखो इंडिकेटर जला के चल रहा है। ओ भाई ओ, ओ इंडिकेटर जल रहा है भाई, इंडिकेटर बंद कर ले। ओ उसके डर गया वो। तो भाई अभी अपन गीदम पहुंच गए और हम लोग सोच रहे ना यहाँ पहले नाश्ता कर लेते हैं, मेरे को तो चल जाता बट जो पीछे आया है भाई बाहर से उसको कराना ज़रूरी है। तो चलो पहले फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं, देखते वो पूरी सब्जी वाले हैं कि नहीं है। है क्या भैया? है। तो चलो भाई यहाँ पे पहले नाश्ता कर लेते हैं, 2 प्लेट कर दो भैया पूरी खाने के लिए। तो भाई गीदम से यहाँ से नाश्ता कर लिया अच्छे से, अब तो भाई कहीं रुकना ही नहीं है, सीधा नॉन स्टॉप जो है जगदलपुर को लगाएंगे शोरूम में सीधा। तो भाई जगदलपुर तो पहुँच गए भाई, 12:40 हो रहा है, मतलब अभी 1 बजने वाला है। तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि सबसे पहले ना चले जाएं दीदी के पास, दीदी से मिल लेते हैं, क्योंकि 1 बजे क्या है शोरूम वगैरह बंद हो जाता है ना, तो खाना लंच ब्रेक का टाइम होता है। तो अपन सोच रहे हैं कि सबसे पहले वहीं चले जाते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर 1 बजे के बाद खाना वगैरह खा के 2 बजे जा कर के शोरूम में गाड़ी खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। लेकिन मेरे को ना अभी ना घर का रास्ता मेरे को मालूम नहीं है किस साइड से, चलो सीधे ही सीधे चलते हैं, अगर होगा तो शोरूम में खड़ा कर देंगे, नहीं होगा तो आगे चले जाएंगे। बट अभी चल करके देखते हैं कि शोरूम वाले अभी गाड़ी को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अभी लंच ब्रेक होने वाला है। गाड़ी एक बार दे देंगे ना तो ना टेंशन फ्री हो जाएंगे अपन। बाकी यहाँ ट्रैफिक की वजह से ना बहुत दिक्कत करता है भाई, लेट हो जा रहा है। ये देखो दंतेश्वरी माता जी का मंदिर, जय माता दी। दंतेश्वरी माता मंदिर है, हाँ जय माता दी। पहुँच गए शोरूम, चलो देखते हैं बात करते हैं अंकल से। तो भाई अभी हम लोग बाइक को अंदर सर्विसिंग के लिए शोरूम में दे दिया, हेलमेट वगैरह पकड़ के आगे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है आगे का और बताते हैं आपको जैसा भी रहता है। अभी हम लोग शोरूम से निकल करके यहाँ पे हैं गुपचुप ठेला में, थोड़ा सा गुपचुप खाते हैं, मतलब मन को चटपटा करते हैं,
उसके बाद यहीं पे बैठ करके डिसाइड करेंगे कि हम लोग अभी कैसे जाएंगे, क्योंकि अपने पास कोई साधन नहीं है ना घर जाने के लिए वहाँ जीजू के यहाँ, और जीजू भी आउट ऑफ स्टेशन है, जगदलपुर के बाहर है। तो देखते हैं, या तो ऑटो करते हैं या तो फिर कुछ भी व्यवस्था बनाते हैं। बाकी ये देखो अपना क्या गुपचुप, क्या आ गया अपना गुपचुप भाई, चलो इसको खाते हैं भाई। वहाँ से गुपचुप वगैरह खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए ऑटो पकड़ के धर्मपुरा अपने भांजे से मिलने। आप लोगों को भी मिलाते हैं, मैं तो एक्साइटेड हूँ, हमेशा ही एक्साइटेड रहता हूँ जब भी जगदलपुर आता हूँ अपने भांजे से मिलने के लिए। बाकी ऑटो कर लिए और जा रहे हैं, बाइक को तो टाइम लगेगा, आप 6 बजे का बोले हैं, उसको करते हैं, उसको सर्विसिंग करने के लिए छोड़ दिए और अपन अपन निकल। हाँ हाँ चौक दे हमारा भांजा दर्श दर्शू उड़ गए सबके, भगीना है भगीना दर्श फोटो दर्श रोते रही कुछ 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 लाल टमाटर लाल टमाटर 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 लाल टमाटर। अभी हम लोग खाना वगैरह खा के आराम से शाम को रेस्ट करके अभी जा रहे हैं शोरूम, क्योंकि शायद गाड़ी का काम हो गया होगा, जीजू अभी तक नहीं आए, बट अपन जीजू को गाड़ी लेके जा रहे हैं। चलो देखते हैं शोरूम में काम वगैरह हुआ है कि नहीं। भाई अपना गाड़ी का जो सर्विसिंग है ना टोटल कंप्लीट हो गया है, हर चीज़ सामने शॉकअप और क्लच वायर वगैरह, मेन तो था मेरा क्लच वायर और एक्सीलेटर वायर था कि कहीं राइड पे निकलेंगे तो टूटे ना, बाकी सब चीज़ ओके हो गया है। और पीछे से देखोगे तो जो ना बूस्ट मेरा टूटा हुआ था, रबड़ जो था ना बूस्ट रबड़ और बेरिंग भी टूटा हुआ था, बाकी सब चीज़ ओके हो गया। अभी ये वाला चेंज करा रहे हैं, ये जो टूट गया था मेरा, अभी नया वाला लगाएंगे। तो चलो मैं जाता हूँ, इसका बिल पेमेंट करता हूँ और फिर आप लोगों को मिलते हैं गाड़ी निकाल करके। बाकी रेक्सा का जो सर्विसिंग है पूरा कंप्लीट हो गया है, इसका बेरिंग वगैरह और क्लच वायर एक्सीलेटर वायर सब चीज़ चेक हो गया। तो भाई अभी रेक्सा का जो साइड साइलेंसर का वो जो टूटा हुआ था ना उसको चेंज कर रहे हैं, अभी न्यू वाला को लगा रहे हैं, वो जो पूरा टूटा हुआ था वो देखो भाई पूरा निकाल दिए। तो भाई बिल देखोगे तो 2840 का जो है हमारा बिल आया है, ये सब काम हुआ है शॉकअप का और ऑयल का, आपका एक्सीलेटर वायर, आपका बूस्ट रबर का, साइलेंसर का, सब चीज़ काम हो गया है। तो ऑल सर्विसिंग जो है रेक्सा का कंप्लीट हो गया है, मतलब अब लंबे सफ़र में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब मज़ा आएगा इसको राइड पे ले जाने के लिए। सब काम हो गया, देखो साइलेंसर कवर वगैरह सब चीज़ लग गया, जो जो डैमेज था इसमें, जो जो पार्ट्स इसका टूटा और डैमेज था सब चीज़ चेंज हो गया इसका, एक्सीलेटर वायर वगैरह हर चीज़ चेकअप जो है ना सब कम्प्लीट हो। बाकी चलो इसको फिट करते हैं साइलेंसर कवर को और फिर निकलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया देखोगे तो। ये देखो भाई बिल। तो भाई गाड़ी को अभी हम लोग शोरूम से बाहर निकालनी है, कंप्लीट हो गया पूरा सर्विस वगैरह जो भी था पेपर वर्क वगैरह, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, फटाफट से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया है और पापा का कुछ सामान भी लेना है। तो निकलते हैं, फिर आप लोग को मिलते हैं गोप्रो मोड में, बाकी बहुत लेट हो गया है, चलो चलते हैं। तो भाई अभी पापा का भी सामान लेकर के आ गए, एक कुछ था कस्टमर का कोई ऑर्डर था तो ये भी सामान लेना था, तो इसको भी ले लिए। सोच रहे ना अपना लगेज कैरियर का ना टेस्ट हो जाएगा, जो हम लोग लगेज कैरियर लगाया ना इसका टेस्ट हो जाएगा, इसी में बांध करके ले जाएंगे। चलो देखते हैं इसमें बांध करके ले जाएंगे, नहीं तो राहुल अपना गोद में रखे, गोद में रख लेगा ना। तो चलो देखते हैं जैसा भी रहता है, बाकी निकलते हैं यार, रात हो गया, भूख भी लग रहा है मेरे को। तो भाई अभी हम लोग घर जाने से पहले मोमोज और यहाँ का पकौड़ा खाने आए हैं, क्योंकि मेरे को बहुत मन था। ये देखो भाई आ गया पकौड़ा, ये इसका चटनी, चलो ये खाते हैं और फिर निकलेंगे। ये खाने से क्या पूरा ना मन बन जाता है, मज़ा आता है यहाँ का मोमोस और पकौड़ा खाने के लिए। आप लोग भी आओगे तो यहाँ पे खाना, ये कोर्ट के पास पड़ता है बस स्टैंड वाले रोड में, बाकी भी बहुत बढ़िया लगता है। खा के देख राहुल, मस्त लग रहा है। राहुल जीजू और मैं बैठ करके खा रहे हैं और बाइक खुद ही छोड़े, फिर उसके बाद यहाँ से खाने के बाद डायरेक्ट है ना धर्मपुरा होते हुए निकलेंगे। ये देखो भाई यहाँ पे मोमोज भी आ गया, चलो मोमोज को भी खाते हैं फटाफट से और निकलते हैं। तो अभी जीजू का गाड़ी को अपन छोड़ दिए हैं और अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से अपना बाइक लेकर के। ये रहा अपना दर्श, बाय। हंसना व्हाट, इधर वीडियो ब्लॉग में डालूंगा दर्श का मोटो, इधर रो रहा है, बाय बाय। चलो एक टेंशन दे दिया पापा, बाय दर्श। टाटा, जय माता दी, जय माता दंतेश्वरी। ठीक है आते हैं, जय माता दी, जय माता दंतेश्वरी। चलो चलते हैं, अच्छे से काम वगैरह सब चीज़ हो गया, दर्श से भी मिल लिए, मोमोज भी खा लिए, पकौड़ा भी खा लिए और काम भी अपना पूरा कंप्लीट हुआ।
तो भाई अभी गाड़ी चलाने की बात करूँ तो बहुत बढ़िया चल रहा है गाड़ी, मस्त ना स्मूथ हो गया है। मैं हर चीज़ का चेकअप कराया, मतलब एक एक बोल्ट नट वॉशर हर चीज़ चेक कराया कि भैया सब चीज़ चेक कर दो, मेरे को दूर जाना। हर चीज़ पहले से बता दिया उनको कि भैया मेरे को थोड़ा सा ऐसा सीन है, आगे जाना है। तो उन लोग बोले कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, सब चीज़ चेक किए, एक एक बोल्ट वगैरह किए, और मेरा मेन था क्लच वायर और एक्सलेटर वायर, ये सब जो था मेन शीशा की वायर वगैरह टूट जाता है ना, इस वजह से ये सब चीज़ को भी ठीक करवाया। ताकि ये देखो हम लोग जो है जगदलपुर से सीधा बाईपास, समझ लो एक हिसाब से बाईपास होते हुए बाहर निकल गए ये शॉर्टकट वाला जीजू के घर तरफ से, अब सीधा हम लोग क्या है ना गीतम रोड पहुँच गए, ना कि सिटी में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख करके गाड़ी, यहाँ पे थोड़ा स्पीड स्पीड में आते हैं लोग, कोई नहीं है। चलो भाई जय माता दी जय माँ दंतेश्वरी, अभी सीधा नॉन स्टॉप हम लोग पहुँचेंगे भैया किरंदुल। क्या आवाज़ दिया, क्या आवाज़ दिया, हम लोगों नहीं था तो कुछ आवाज़ दिया, मैं डर गया। बाकी चलो भाई मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में, और आप लोग प्लीज़ भाई फॉलो कर लेना, मैं बता रहा हूँ बार बार बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है इंस्टाग्राम में आप लोगों को, तो प्लीज़ भाई फॉलो कर लेना। बाकी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, इसलिए सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ कि भाई अभी हमारे जो एरिया है ना बस्तर या दंतेवाड़ा जिला या आसपास का जो भी किरंदुल बचेली, वहाँ से अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ा एपिसोड मिलने वाला है और इंस्टाग्राम में तो धमाका मिलने वाला है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में तड़कते भड़कते कुछ सरप्राइज वीडियोस लाके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय माता दी, जय श्री राम। चलो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है, बाय बाय। अभी गोप्रो को निकालूंगा मैं, क्योंकि बहुत धूल है, आते टाइम बहुत ज़्यादा धूल जो है ना मेरा कैमरा में जम चुका था। अब मैं ये रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहता कि मेरा कैमरा को दोबारा साफ करूं, और ऊपर से रात हो गया तो रात में वीडियो ही क्या बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, इसलिए मैं अभी गोप्रो को जो है निकालूंगा। और बाकी चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, जय श्री राम।